Hyderabad International School, CBSE plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method. Launch. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है A18 न्यूज पर। आज 29 जून ट्यूसडे का दिन है, आइए नाज़रीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें। कोविड टास्क फोर्स ने चीफ वीके पाउल का कहना है कि ये बात कहना गलत होगी कि कोविड वेव जैसी तीसरी लहर की कोई तारीख का ऐलान करना, क्योंकि कोरोना वायरस का स्वभाव बदलाव उम्मीद के बाहर है, मगर अच्छी तरह से एहतियात करने से सारे प्रोटोकॉल्स अगर पब्लिक फॉलो करती हैं तो कोई भी वेव को आने से पहले रोक दिया जा सकता है। और इस दरमियान में जो नया डेल्टा वेरिएंट पाया गया है, अभी तक इसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट ये बहुत ज़्यादा असरदार है एक दूसरे के बीच फैलने में और वैक्सीन की ताकत कम करने में। इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में 37,566 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए और 907 लोगों की मौत हुई है। इस कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से इंडिया भर में एक ही दिन में 40,000 के अंदर केसेस दर्ज हुए हैं कोविड-19 पॉजिटिव के, और पिछले 102 दिन से इंडिया में हज़ारों की तादाद में ही कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। ओमान में 30 गैर मुल्की अफराद को ओमान की सिटीजनशिप मिली है। इस साल कुल गैर मुल्की लोग 226 ओमानी सिटीजन्स बने हैं। रॉयल डिग्री के मुताबिक ओमान सुल्तान हैताम बिन तारिक ने संडे के दिन 30 गैर मुल्की को ओमान की सिटीजनशिप दी गई। इस साल की शुरुआत से ये तीसरा बैच है जिसे ओमान की सिटीजनशिप मिली है। मार्च के महीने में सुल्तान हैताम ने 39 गैर मुमालिक शहरियों को ओमान की सिटीजनशिप दी और फरवरी के महीने में कुल 157 गैर मुमालिक शहरियों को ओमान की सिटीजनशिप मिली है। इंडिया भर में कुल 40,845 ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के केसेस एक्टिव है। इस कोरोना की दूसरी लहर के चलते हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने मंडे के दिन यानी आज कहा कि एक इजलास किया गया है मिनिस्टर्स GOM की जानिब से कोविड-19 पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। इस मीटिंग में शामिल बलराम भार्गवा और सेक्रेटरी हेल्थ रिसर्च और DHICMR मौजूद थे। इस कोरोना की दूसरी लहर के चलते 80 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है बड़े पैमाने पर ताकि अल्फा, बेटा और गामा डेल्टा वायरस का मुकाबला किया जा सके। इंडिया ने संडे के दिन ऐलान किया कि अमेरिका के मुकाबले ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने का रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं, यानी अमेरिका की तादाद के मुकाबले इंडिया में वैक्सीनेशन लगवाए जा चुके हैं इस कोरोना महामारी का मुकाबला करने। बताया जा रहा है कि मंडे के दिन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कुल 323.6 मिलियन लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। अमेरिका ने ऐलान किया कि इंडिया को 41 मिलियन की मदद फराहम की जाएगी इस कोविड-19 महामारी के दौरान। जैसे कि आप सब वाकिफ़ हैं, इंडिया के हालात दिन पे दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसीलिए इंडिया को तैयार रहना अहम है। कुल $200 मिलियन की तैयारी की जा रही है कोरोना महामारी का मुकाबला करने। ट्विटर इंडिया MD मनीष महेश्वरी और इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी पर केस दर्ज किया गया। इंडिया का गलत मैप दिखाने वेबसाइट पर FIR केस दर्ज किया गया है। बजरंग दल लीडर प्रवीण भाटी के कहने पर खुर्जा पुलिस स्टेशन बुलंदशहर में। कुवैत ने आवाम के लिए राहत वाली खबर का ऐलान किए हैं। कुवैत में संडे के दिन हुकूमत ने इजाज़त दी है जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उन्हें शॉपिंग मॉल, सैलून, जिम और रेस्टोरेंट्स जाने की इजाज़त होगी कुवैत में। College after successfully spreading education since 12 years. Renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC, JEE and MCET, YPC, NEET and MCET, MEC, CACMA, CEC, CACMA, CEC Computer and Regular. 100% scholarship assistance. Transport facility available. Hurry up! Admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.